आप ऐसे भी साधक रहे हैं किसी जन्म में, जैसे घर त्याग गए और फिर क्योंकि घर त्याग दिया जंगल में जा बैठा, और जंगल में भूख लगी, वन से फिर वापस आया, भिक्षा मांगी, ऐसे ऐसे भी पुण्यात्माओं की जानकारी हमें मिली कि ये ऐसे साधना करता था, गांव से रोटी मांग लाता था, सूखी साकी जैसी कोई देता था, और एक दो रोटी खाता था, बाकी टांग देता था कपड़े में बांध के वृक्ष के, वो सूख जाती थी दो तीन दिन, उन्हीं को भिगो भिगो कर खाता था, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर मांगने जाता था। तो परमात्मा कहते तुम ऐसे भी साधक रह चुके हो, इतनी श्रद्धा से ऐसे संयमी भी रहे, और जिस कारण से आपको क्या मिला, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया। ऐसी साधना, ऐसा कति वैराग बना करके, सब कुछ त्याग करके, इतना संयमी रह करके, कठिन साधनाएं करने से भी तुझे क्या मिला, इंद्र कुबेर ऊपर के देवता बना दिया। इंद्र किसे कहते हैं, स्वर्ग के राजा को। अपुण्यात्माओं हम तो यहाँ एक एमएलए एमपी सरपंच बन जाने, सोचो पता नहीं क्या बन गए, अनजानपने में बगैर ज्ञान के ये बकवाद बाहों प्राणी को। अब इससे तुलना हो जाएगी कि राज की क्या आवश्यकता है, कि कैसा है ये राज्य, एक ये इंद्र कैसे बनता है, इसका या तो ये इतना पुण्य करे, धर्म यज्ञ करे, 100 मन देसी घी, 1 मन में 40 किलो, 100 मन देसी घी एक बार की यज्ञ में लगावे, उसमें हवन भी हो भंडारे भी हो। अब जैसे जिसमें 100 मन घी यानी 4000 किलोग्राम जैसे घी लगेगा, तो वहाँ अन्य खर्चा कितना होगा, आटे नमक मिर्च दाल का, तो वो तो गिनती है नहीं फिर। तो ऐसी ऐसी 100 यज्ञ करे जिसमें 100 मन देसी घी प्रयोग हो, और उसके लिए कुछ कंडीशन है, रमन कंडीशंस हैं उसकी, कि ये अगर मर्यादा भंग होगी तो वो यज्ञ आपकी मान्य नहीं जाएगी, और 100 यज्ञों में से एक भी खंडित होगी तो नए सिरित करनी पड़ेगी। फिर उससे क्या मिलेगा, इंद्र की पदवी मिल जाएगी, इंद्र का यानी स्वर्ग का राजा इंद्र होता, जैसे प्रधानमंत्री मान लो भारत का राजा, तो इस प्रयत्न से इस क्रिया से उसको इंद्र की पोस्ट मिलेगी, उस प्राणी को स्वर्ग का राजा बन जाएगा। अब उस स्वर्ग के अंदर तो आम व्यक्ति भी जाकर ने सोचा मैं सुखी हो जाऊंगा, बोलेपन में अज्ञानता से। अब परमात्मा हमें क्या ज्ञान देना चाहते हैं, इस ज्ञान से आपको सतलोक की इच्छा जागृत होगी। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि आप तो यहाँ छोटे से राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हो, और वो इंद्र का राज्य इतनी साधना करने से प्राप्त होगा। दूसरा उसका तरीका है, इतना तप करे, तप से राज भी प्राप्त होता है, और फिर उसमें भी ट्रेमेंड कंडीशंस होती हैं। तो वर्तमान जो स्वर्ग का राजा होता है इंद्र, उसको एक और इंस्ट्रक्शन होती है कि तेरे शासनकाल में यदि इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य किसी ने क्रिया कर ली, उसको बीच से ही पदमुक्त पदरहित कर दिया जाएगा, और उस आत्मा को उसके पद पर विराजमान कर दिया जाएगा। तो उसके उसको चिंता बनी रहती है स्वर्ग के राजा को, कि कोई पृथ्वी लोक पर इंद्र की पदवी प्राप्त करने योग्य कोई ये क्रिया ना कर ले, उनको खंडित करवाने का उसका सिर धड़कीबाजी लगाए रखता है। आप देख रहे हो यहाँ पर इस पृथ्वी के एक छोटे से एमएलए एमपी मंत्री मुख्यमंत्री बनने के लिए ये के कितना उद्मस्तार देते हैं, आपको मालूम है राजनीति कितनी खतरनाक है, और वहाँ भी वही राजनीति, वो इतने घटिया सतर के कर्म कर देता है इंद्र, सोच भी नहीं सकते, अपनी पत्नी को भी भेज देता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी गैर पुरुष के पास, तो
खाक है ये राज्य, खाक है ये राजनीति। तो ऐसे एक मार्कंडे नाम के ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे थे। इंद्र के हलकारे यानी उसने गुप्तचर छोड़ रखे होते हैं पृथ्वी पर, उनके देवता यहाँ गुप्त रूप में घूमते रहते हैं, और उनके ऐसे सूक्ष्म शरीर होते हैं, ये लंबी डिटेल बन जाएगी जब मैंने ये चैप्टर दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि आपने आज तक ज्ञान तो सुना ही नहीं है, उस अज्ञान को ज्ञान मान के ग्रहण कर रखा है। लेकिन सिंपल सा इतना है कहेंगे कि उसके हलकारे गुप्तचर CID वाले घूमते रहते हैं, और उन्होंने पता लग गया कि ऐसे एक ऋषि मार्कंडे नाम के ऋषि बहुत समय से बैठे हैं तपस्या कर रहे। इंद्र को चिंता बन गई कि कहीं तेरी गद्दी प्राप्त ना कर ले। उस तप को भंग कराने के लिए, साधना को डिस्टर्ब करने के लिए उसने एक उर्वशी भेजी। एक औरत आई खूबसूरत, और उसने उस ऋषि के सामने थोड़ी सी दूरी पर डांस करना शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया, और वहाँ का एक सिद्धि से वहाँ का वातावरण ऐसा बना दिया जैसे ना गर्मी ना सर्दी, और सुगंध उठ रही हो जानो चारों तरफ से, ऐसे जानो ऐसा बड़े मनमोहक वातावरण बना दिया। अब वो नाच रही है, मार्कंडे ऋषि आधी आंखें खुली हैं आधी बंद हैं। जब उसने सारे डांस कर लिए, अंत में वो नीव वस्त्र होगी, तब मार्कंडे ऋषि बोले, हे बेटी, हे माई, हे बहन, आप यहाँ किस वास्ते आई? तब उर्वशी ने कपड़े पहनते हुए कहा कि हे ऋषि, मेरे स्वरूप को देखकर यहाँ अन्य इस बनखंड के, इस बन के डिवीजन के, इस टुकड़े के जितने ऋषि महर्षि थे उनके, वो तो डामांडोल हो गए और छोड़कर इस तपने खड़े होकर लागे देखने मेरे को। लेकिन ना जाने आपकी समाधि कहाँ गई हुई थी, ये आप जानो, आप डगमग नहीं हुए। तब मार्कंडे ऋषि ने बताया कि मेरी जो समाधि थी, समाधि क्या होती है कि यहाँ बैठे वो अपनी दूरबीन से, अंदर की आँखों से, ये अपनी अपनी भक्ति से रेंज घटती बढ़ती रहती है। वो कह रहा कि मैं ब्रह्म लोक में मैं डांस देख रहा था, और वहाँ नाचने वाली औरतों की तेरे जैसी तो सात सात नौकरानी थी, तो तेरे डांस ने के देखूँ मैं तो, तेरे से इतनी सुंदर थी वो जिनकी तेरे जैसी तो नौकरानियाँ थी, वहाँ मैं समाधि लगा रहा था। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इससे दूध और पानी छनेगा, अलग अलग हो जाएगा। एक तरफ तो ये है कि मार्कंडे ऋषि ने अपनी साधना को सर्वोच्च मान रखा था, तो उर्वशी कहने लगी कि महाराज, आप एक बार इंद्र लोक में चलो, तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि तेरे से कोई और सुंदर हो उसको भेज दे, वो भी ट्राई कर लेगी। तो उर्वशी ने कहा कि मैं इंद्र की पटरानी मैं ही हूँ, यानी सबसे ब्यूटीफुल, सबसे खूबसूरत स्वर्ग की जो औरतों में से एक होती है वो सची नाम है उसका, और वो इंद्र की पटरानी होती है। तो वो कहती है मैं ही वो सबसे सुंदर औरत हूँ उस स्वर्ग लोक की, और मैं इंद्र की पटरानी यानी मुख्य पत्नी हूँ। मार्कंडे ऋषि ने कहा कि जब ये इंद्र मर जाएगा तब तू क्या करेगी, क्योंकि ये तो नाशवान है। पर उसने, सची ने कहा, उर्वशी ने कहा, यानी उसने उर्वशी ने कहा कि मैं 14 इंद्र भोगूंगी। अपने आत्माओं, अपना पैमाना लगा लियो, आप के भक्ति कर रहे हो और क्या प्राप्ति होगी इस मार्ग को छोड़कर अन्य जो साधनाएं करते हो वहाँ से। अब वो क्या कह रही है उर्वशी, वो कितनी पुण्यात्मा थी, उसने कितने धर्म और पुण्य किए होंगे,
वो कह रही है कि ये 14 इंद्र मर जाएंगे, अपना शासन काल पूरा करके इनकी मृत्यु होती रहेगी और मैं नौ की नौ बनी रहूंगी, मैं इनकी पत्नी रहूंगी, यहाँ की पटरानी, ये भी एक पोस्ट है। और नेक्स्ट इंद्र की वह पत्नी बनेगी, वो अपना 14 ऐसे वो बेहतर चौकड़ी युग, बेहतर चतुर्युगी, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चार युगों का एक चतुर्युगी होता है। ऐसी बेहतर चतुर्युगी तक 1008 वर्ष तक समझ लो, 1008 ये चतुर्युगी तक, ये ब्रह्मा का एक दिन होता है 1008 चतुर्युग का। तो जब और फिर रात्रि में वो नष्ट हो जाते हैं, तो कहते हैं इस एक दिन में, ब्रह्मा के दिन में 14 ये इंद्र नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या कहती है कि ब्रह्मा के एक दिन में 1008 चतुर्युग तक मैं तो नौ की नौ पत्नी बनी रहूंगी, यहाँ की स्वर्ग की देवी, और जितने जो इंद्र हैं वे 14 इंद्र मरते रहेंगे, मैं कंस्टेंट रहूंगी जब तक, फिर मैं भी, मेरी भी मृत्यु होगी। अब मार्कंडेय ऋषि परिचित थे उनसे, मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि 14 इंद्र भी मरेंगे जब तू केक रहेगी। तो वो क्या बताती है, नियम बताती है, उसका प्रतिफल बताती है, सच्चाई बताती है कि जितने अंदर मैं भोगूंगी वो तो गधे बनेंगे मृतलोक में पृथ्वी पर, और मैं गधी बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि माथे माथ मारता है, फिर जहाँ का राजा गधा बने और वहाँ की पटरानी गधी बने, तो मुझे इसे लोक में क्यों ले जावे थी तू। तब उस इंद्राणी ने कहा कि इसलिए ले जाना चाहती थी कि मेरी इज्जत रह जाती, नहीं तो मेरी मजाक करेंगे, मुझे सजा दी जाएगी कि तू हार के आगी, या दंड देता है वो जो उस लड़कियों को भेजता है किसी को, जैसे विश्वामित्र तपस्या करे था, उर्वशी भेज दी इस इंद्र ने, उस तो उसके साथ उसका संपर्क हो गया, एक लड़की हो ली ना जब जन्म करके और छोड़ कर जाती रही अक्षमाल ऋषि जी, फिर वो विश्वामित्र रोनता अंड है। तो ऐसी स्थिति है इनकी। हाँ, वो क्या कहती है कि मैं अपनी इज्जत रखने वास्ते, और ऐसे वो इंद्र इन ऋषियों को और लड़कियों को जो स्वर्ग में सुखी मानते हैं, स्वर्ग में सुख हो जाता है उनका, वो नौकर हैं उसके सारे, उस इंद्र के, और उनको बाई फोर्स भेजता है कि जा उसका धर्म भंग करके आ, नहीं तो तुझे सजा दूंगा, वहाँ कोड़ों से पीटी जाती हैं औरतें जो स्वर्ग के वासी कहलाते हैं। इस डर के मारे वो कह रही है कि मुझे दुआगन करेंगे, सजा दी जाएगी, आप एक बार चल पड़ो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि किस लिए ले जाना चाहती थी, कि अपनी इज्जत रखने के लिए, नेतन्यों कहेंगे तू भी हार के आएगी, सबसे सुंदर थी, सबसे शक्तिशाली थी। तब जब मार्कंडेय ऋषि ने कहा ए भोली आत्मा, तू आज भी गधी, क्योंकि 14 खसम करेगी और मृत्यु के बाद तू स्वीकार कर रही है परमानेंट गधी, तो फिर गधी का भी इज्जत किसी और इज्जत की ठेकेदार नहीं बनी बैठी, तू भाग यहाँ से। फिर क्या हुआ कि इंद्र आ गया वहाँ पर, स्वर्ग का राजा आ गया और कहने लगा हे बंदनिवाज, हम हारे तुम जीते, इंद्र की गद्दी प्राप्त करो। मार्कंडेय ऋषि कहने लगा अरे 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 इंद्र तू क्या कह रहा है, इंद्र की गद्दी तो हमारे लिए काग की बीट है, हमें नहीं चाहिए, तो ये रख अपने को। और फिर मार्कंडेय ऋषि ने कहा इंद्र बात सुन बैठ जा। अब इंद्र तो खुश हो गया कि ऋषि ने बख्श दी मेरी गद्दी वापस, अभी हमने तो इतना ज्ञान है। तब समझाने की चेष्टा की मार्कंडेय ऋषि ने कि देख मृत्यु के उपरांत तू पशु बनेगा, गधे की योनि में जाएगा,
आजा तुझे ऐसी भक्ति बता देता हूँ, तेरा बहुत मोक्ष, तेरा मोक्ष हो जाएगा, ब्रह्म लोक में चला जाएगा। अब और इंद्र क्या कहता है कि महाराज जी ईब तो मौज करने दो, फिर देखूंगा, फिर बोलो अपने आत्माओं सब के वह बीमारी है जो इन स्वर्ग के देवताओं तक के, आपने भी यही है। अब जैसे ये दास किसी को अपने मित्र प्यारे को, जैसे दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था जेई की, तो उन अपने साथियों को भी कोशिश की समझाने की, जो जिसको थोड़ा सा ज्ञान स्वभाव था उसको बैठा के समझाने की चेष्टा की, तो वो क्या कहता, भाई फिर देखेंगे, फिर देखेंगे, फिर के देखाएं, गधा बने पाछे तो कुमार देखेगा फिर। ढाई मन का बोरा कमर पर और लाठी लगेगी गट्टियां पे, देखना अब देख संतों के विचार सुन और बुराई छोड़ भक्ति कर, देखना तो अब फिर क्या देखेंगे। वास्तविकता ये होती है कि कोई तो गुटी सूटी लावे, दो पैसे का ब्यों तो दे बकवाद शुरू करता है ये प्राणी। दो पैसे माया अधिक हुई ना और ये नरक में जाने की टिकट बनी ना, तुरंत बन जाती है। तो उनके वह किसी पर गुटी ना छूटे, किसी पर रिश्वत ना छूटे और कोई सौ बुराइयों में ग्रस्त हो जाता प्राणी, तो वो इस कारण से यूं कहता फिर देखेंगे। और फिर कुछ एक यहाँ तक कह देते तो किसने देखी है, देखी जाएगी। बताओ अब अंदाजा रहा हो जंगल के अंदर वन की तरफ और उसको कोई कहे आँखों वाला कि सूरदास इधर मत जा भाई, ये रास्ता ठीक नहीं, बहुत भयंकर दुख होंगे तो इसमें चला जाएगा, जंगली जानवर हैं वह काटे हैं, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और वो अंधा वही बोल सकता जिसने कोई गुटी सूटी ला रखी हो या भांग पी रखी हो, वो कह सकता है ऐसी बातें, किसने देखा है, देखी जाएगी। अब अंधे न दिखता ना, आँखियाँ लेके वो मानता ना, और फिर नहीं होगा किसने देखा, जिसने देखा है वही तो बता रहा है कि ये रास्ता गलत तेरा।